हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप भी है टेस्ट क्रिकेट के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में बताइए कौन सी आपकी फेवरेट टीम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिकॉर्ड की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मयंक अग्रवाल ने शानदार बैटिंग करते हुए 150 रन बनाए। बात करें दूसरे प्लेयर की तो अक्षर पटेल ने शानदार अर्धशतक लगाया और टीम 321 रन पर पहली पारी पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस मैच में ऐसा क्या खास हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बात करें इस मैच की तो इस मैच में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड के बॉलर अजाक पटेल, यहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर अजाक पटेल ने इस मैच में इतिहास रच दिया। और उन्होंने बात करें इनके रिकॉर्ड की तो इन्होंने इस पारी में 10 के 10 विकेट अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पहली पारी के सभी 10 विकेट को चटकाया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें इस रिकॉर्ड की तो ये रिकॉर्ड पहले दो प्लेयर अपने नाम कर चुके हैं। बात करें पहले दो प्लेयरों की तो जिम लेकर और भारतीय मूल के प्लेयर अनिल कुंबले। दोस्तों बात करें अजाक पटेल के बायोग्राफी की तो ये भारतीय मूल के ही प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में ही जन्मे, मुंबई में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की नेशनलिटी लेकर इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लगातार खेल के प्रति रुचि रखने के कारण इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम में वापसी करी और आज ये कारनामा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में ही जन्मे अजाक पटेल, आज मुंबई में ही इन्होंने 10 विकेट लेकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसका टूटना तो लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड टूट नहीं सकते। इन रिकॉर्डों की सिर्फ बराबरी की जा सकती है। दोस्तों आपको कैसा लगा इस प्लेयर का रिकॉर्ड और कैसी लगी वीडियो की इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि भारतीय मूल के ऐसे कौन से नए गेंदबाज है जो इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें।